तो यार भाई आज वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली, क्योंकि भाई आज हमारे पास स्लाइस, और भाई यार ये स्लाइस की बोतल हम मार्केट से ख़रीद के लाए हैं। और भाई हमने पहले बहुत बार स्लाइस बनाई है, लेकिन वो उतनी अच्छी नहीं बनती है जितनी हमारी मार्केट में स्लाइस आती है। बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो है कि स्लाइस जैसे बनाते, लेकिन उस तरह से स्लाइस नहीं बनती। तो भाई यार हम ये देखेंगे कि भाई यार ये स्लाइस अच्छी होती या फिर हम घर पर जो स्लाइस बनाते वो अच्छी होती। तो सबसे पहले भाई इसको खोल कर देते हैं कि इसके अंदर किस तरह की स्लाइस है। तो चलिए सबसे पहले इसको खोलते हैं। लेकिन ये डिब्बा काफ़ी अच्छा है, और भाई अगर आप इसकी कीमत की बात करोगे ना तो ये सिर्फ 100 रुपीज़ का है, मतलब 100 रुपये का, 100 रुपये का डिब्बा सिर्फ इतना। ये देख लो, इसके ऊपर MRP 120 रुपये लिख रखी है, लेकिन ये हमें लगभग 100 रुपये में पड़ा है इतना डिब्बा। इसके अंदर से हमने थोड़ी स्लाइस पहले निकाल ली थी, क्योंकि हमने एक वीडियो बनाया था जिसपे आपने बहुत सारे कमेंट किए भाई ऐसी फुल वीडियो बनाओ। तो भाई यार आज है इसकी पूरी वीडियो। तो जल्दी से हम इस स्लाइस को ओपन करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो यार भाई ये रही हमारे पास स्लाइस, और भाई इसके अंदर रही ये देख लो स्लाइस, क्योंकि बिल्कुल अगर इसको ऐसे करते तो ऐसे निकालना इसको लगभग इम्पॉसिबल। ये देख लो मेरा ये हाथ साफ है, और भाई ये हाथ भी साफ है। अब मैं क्या करता हूँ, इस हाथ को इस मिट्टी से गंदा कर लेता हूँ जितना हो सकता है उतना। ये देख लो भाई अब मेरा हाथ बन चुका है सबसे गंदा। तो भाई इस साफ हाथ से जो मेरा हाथ बढ़िया है, इससे मैं ये सारी स्लाइस निकाल लेता हूँ बाहर। ये देख लो भाई साहब, ये रही भाई हमारी स्लाइस, देख लो। ओ भाई साहब ये देखो भाई स्लाइस, ये तो बिल्कुल सहज जैसी है। अब एक काम करता हूँ, इसमें से ये तो ज़्यादा हो गई भाई, एक काम करता हूँ इस आधी स्लाइस इसके अंदर रख लेता हूँ, और आधी को मेरे हाथ में, ये देखो ये आधी स्लाइस मैंने इसके अंदर डाल दी, और इसका ढक्कन लगा देता हूँ कुछ इस तरीके से, कि भाई ये ज़्यादा स्लाइस हो गई। और एक बार देख लो यार भाई, ये देखो अब ये मेरा जो गंदा हाथ है ये देख लो, ये अभी आपके स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा। अब मैं इससे स्लाइस से साफ करता हूँ, और भाई हमारी जो स्लाइस है वो कुछ इस तरीके की हो गई, च्युइंगम जैसी। और भाई अब देखो हमारे हाथ को बिल्कुल साफ हो गया। तो भाई यार यहाँ हमारी स्लाइस तो गंदी हो गई है, ये देख लो कुछ इस तरह की, ये तो जेली जैसी है ये। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और भाई बात रही अगर आपको स्लाइस ख़रीदनी है तो भाई होममेड कभी स्लाइस मत बनाना, क्योंकि घर पे उतनी अच्छी स्लाइस नहीं बनती। और अगर आप मार्केट से ख़रीदो तो इस तरह की छोटी डब्बी भी आती है जो कि बच्चों के लिए, तो आप इसे ख़रीद के ला सकते हो। ये मेरे को तो 100 रुपये में पड़ी, लेकिन दुकानदार से आप भाव उतार करोगे तो आपको 90 रुपये में पड़ जाएगी। तो भाई ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए और एक्सपेरिमेंट की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपको ऐसी और नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय।